हेलो दोस्तों, न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की इस सीरीज में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्राइस्ट द रिडीमर वन ऑफ द न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। फ्रेंड्स, विश्व की कई ऊंची प्रतिमाओं में से एक क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के माउंट कारकोवाडो में स्थापित ईसा मसीह की एक विशालकाय प्रतिमा है, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टेचू भी माना जाता है। यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर बेस के साथ 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कारकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जहां से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। बोलिविया की कोचाबंबा में स्थित क्राइस्टो डीला कॉनकोर्डिया की प्रतिमा के बाद यह दुनिया की अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। अब जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस प्रतिमा को बनाने का पहली बार विचार सन 1850 के दशक में एक कैथोलिक पादरी पेड्रो मारिया बोस को आया था, जिसने राजकुमारी इसाबेल से एक विशाल धार्मिक स्मारक बनाने के लिए सहायता मांगी थी, परंतु राजकुमारी ने इसको नजरअंदाज कर दिया। और जब 1889 ईस्वी में ब्राजील एक गणतंत्र बन गया तो इसे पूर्णतः मना कर दिया गया, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होता। सन 1921 ईस्वी में इस विचार को पुनः रियो के कैथोलिक सर्कल द्वारा जीवित किया गया और इसके निर्माण में समर्थन देने के लिए सेमानाडू मोनुमेंटो नामक एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकतर कैथोलिक समुदाय के लोग ही आए। ईसा मसीह की प्रतिमा के लिए चुने कई डिजाइन्स को एकत्रित किया गया, परंतु अंत में खुली बाहों के साथ क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को ही चुना गया, जो शांति का एक प्रतीक भी थी। इसका निर्माण 1922 में शुरू हुआ और 1931 तक इसे पूर्णतया बना लिया गया और 12 अक्टूबर 1931 में इसे सामान्य जनता के लिए खोल दिया गया। अब जानते हैं क्राइस्ट द रिडीमर से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। फ्रेंड्स, इस मूर्ति को बनाने में लगभग 9 वर्षों का समय लगा था। का निर्माण कार्य 1922 में शुरू हुआ, इसे 1931 तक पूरा बना लिया गया था। इस मूर्ति को बनाने में करीब 2,50,000 अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी, जिसे ब्राजील के कैथोलिक ईसाइयों ने मिलकर दान दिया था। विश्व में 7 अजूबे हैं, जिसमें से एक क्राइस्ट द रिडीमर की मूर्ति भी शामिल है, जिसे 7 जुलाई 2007 में विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल किया गया था। और इसके लिए बैंको ब्रोडेस्को और रेड ग्लोबो सहित अन्य प्रमुख कॉरपोरेट प्रायोजकों ने अनुगमन किया था। यह मूर्ति तिजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोरकोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसके साथ ही मूर्ति का कुल भार लगभग 635 टन है। यह मूर्ति तिजुका नामक ब्राजील के राष्ट्रीय वन में स्थित है, जहां पहुंचने के लिए रेलवे की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसे 1882 में सम्राट डोम पेड्रो द्वितीय ने पर्वत के शीर्ष पर पहुंचने के लिए बनवाया था। 10 फरवरी 2008 में एक तूफान और बिजली से इस मूर्ति को क्षति पहुंची, जिससे इस मूर्ति की उंगलियों, सिर और भौं को नुकसान पहुंचा था, जिसे सरकार द्वारा बाद में ठीक करा लिया गया। इस प्रतिमा का ढांचा फ्रांसीसी मूर्तिकार पोल लेंडोवस्की द्वारा तैयार किया गया था और स्थानीय इंजीनियर हीटर डा सिल्वा कोस्टा ने प्रतिमा को रूपांकित किया था। यह प्रतिमा मजबूत कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी है, जो मूर्ति को मजबूती प्रदान करती है। इस प्रतिमा को कई काल्पनिक कथाओं और मीडिया की अलग अलग क्रिएशंस में दिखाया गया है, जिसमें फिल्म 2012 में प्रतिमा को एक विनाशकारी दृश्य के रूप में दिखाया गया है। इसे कई वीडियो गेम्स में भी दिखाया गया है, जैसे कि टॉम क्लैंसी के HAWX, ड्राइवर 2, ट्रोपिको 3, कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, OSS 117, लॉस्ट इन रियो, सिविलाइजेशन 4, बियॉन्ड द स्वॉर्ड और सिविलाइजेशन 5। इसे जेनेट जैक्सन की रनवे के वीडियो में और लैटिन ग्रुप विसिन एंड येंडेल की पैम पैम के वीडियो में भी देखा जा सकता है। वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।